देखिए, ये थाना तालगांव पुलिस को एक यानी सूचना दी गई कि एक व्यक्ति हैं श्री राम भरोसे, इनकी उम्र करीब 60-62 साल है। इनका अपहरण उनके भाइयों और भतीजों ने बैंक से निकलते हुए कर लिया और उसके बाद इनका पता नहीं चल पा रहा था। इस सूचना पर पुलिस एक्टिव हुई तालगांव की, तत्काल इन्होंने बैंक से फुटेज निकलवाया तो बैंक के कैमरे से ये स्पष्ट हुआ कि राम भरोसे को उसके भाई और भतीजे एक बोलेरो गाड़ी से खींच करके मोटरसाइकिल पर ले जा रहे थे। पूरी जानकारी की गई, इसमें अभियुक्तों की धरपकड़ शुरू हुई तो एक गिरफ्तारी होने के बाद ये पूरी जानकारी ये आई कि राम भरोसे विडोअर हैं, उनके पत्नी के देहांत हो गया है और नाबालिग हैं। इनके करीब 17-18 बीघे ज़मीन है और ये अपने साढ़ू के साथ यहाँ हुसैनपुर गांव खैराबाद में रह रहे थे। इनके भाइयों और भतीजों को ये शंका थी कि इनकी हत्या करके और इनसे ज़मीन वो लोग साढ़ू और ये लोग लिखवा लेंगे और इनकी ज़मीन पर वो लोग कब्जा कर लेंगे। इसी आशंका में इन लोगों ने ये वारदात की है और वारदात के क्रम में ये जानकारी दी कि इनको ले करके वो चैलारी घाट के पास नदी में फेंक दिया है। तो फिलहाल उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करा दिया गया है, अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी की गई है संबंधित सेक्शंस में। जो तथाकथित जो राम भरोसे मृतक हैं, जैसी अभी तक जानकारी आई है, जिनके बॉडी को नदी में फेंका गया है, जिनको उनके बॉडी के लिए हम लोगों ने NDRF और इनसे संपर्क कर रहे हैं। लगातार कल भी प्रयास किया था, आज भी फ्लड और PAC की पुलिस लेकर के हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनकी बॉडी अगर है तो रिकवर हो जाए और इस संदर्भ में फर्दर कोई भी जानकारी और आएगी तो हम आप लोग से शेयर करेंगे। फिलहाल इस प्रकरण में हम लोगों ने 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है जो घटना में शामिल थे।